हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, हम जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर कर रहे थे उसमें अगला टॉपिक आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इससे बोर्ड में 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। हम लोग जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो, जीडीपी को नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि जब जीडीपी जो होती है वो क्या होती है, अगर जीडीपी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वेलफेयर का काम होगा। वेलफेयर का मतलब वो लोगों के कल्याण का काम करेगी, ठीक है। ऐसे बताया गया कि हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी ज़्यादा होती है, जीडीपी ज़्यादा का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी यहाँ पर क्या है, अगर ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो हो गया वो बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ग्रेटर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज पर पर्सन के लिए जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से तो लगता है कि जीडीपी जो है वो अगर ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है, ग्रोथ तो आती है लेकिन लोगों के अंदर वेलफेयर, कल्याण की कल्याण भी लोगों का होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और देखो, अब देखो यहाँ पर कहा गया कि अगर जीडीपी ज़्यादा है, जीडीपी अगर हायर होगी तभी क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो अब देखो, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर रियल जीडीपी क्या है, ज़्यादा है, राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एफिशिएंसी। तो जो होगा, जब जीडीपी ज़्यादा होगी तब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, जब ग्रोथ होना स्टार्ट होगी तब आप क्या नए नए प्लांट लगाने स्टार्ट करेंगे, नई नई कंपनी लगाने स्टार्ट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइज इन इनकम ऑफ पीपल, लोगों की इनकम में भी क्या होगी, राइज, बढ़ोतरी होगी। राइज इन एग्रीगेट डिमांड, अब उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, इनकम हो रही है तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तब कंपनी क्या करेगी, राइज इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंड्यूस यानी कि प्रेरित होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है तो वो नया नया इन्वेस्टमेंट करेगी। और हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो राइज इन रियल जीडीपी वंस अगेन, तो क्या होगा, फिर दोबारा से रियल जीडीपी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। यानी कि ये जो साइकिल है ये इस तरीके से ऐसे चलता हुआ आ जाएगा, ये साइकिल ऐसे इसी तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये साइकिल जो है वो इस तरीके से क्या होगा, घूमता हुआ रहेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे आपने कि आपके पास आपने कोई शॉप खोली, ठीक है। अब उस शॉप में क्या होगा कि आप जो हैं, सपोज करो कि आप बिस्किट्स बेचते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप अपनी शॉप को भी क्या करोगे, बड़ी करोगे, ठीक है। आप शॉप को बड़ी करोगे तो क्या होगा, आप लोगों को नौकरी पर भी ज़्यादा रखोगे। आपको पहले एक बंदा चाहिए था काम के लिए, जिसे हेल्पर बोलते हैं, फिर दो बंदे चाहिए होंगे, फिर तीन बंदे चाहिए होंगे। आराम से क्या करोगे, धीरे धीरे क्या करोगे, अपने जो हेल्पर्स हैं उनकी क्या करोगे, उनके जो नंबर ऑफ जो पर्सन है उनको क्या करोगे, बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, आपकी जीडीपी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो पहली नज़र में हमें ये नज़र आता है कि अगर जीडीपी ज़्यादा होती है तो वेलफेयर ज़रूर होता है, ठीक है। और वेलफेयर किस केस में होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाता है, और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाने का मतलब हो गया कि पर पर्सन के लिए गुड्स और सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, बढ़ रही है। ओके, पर इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब हम ये कहें कि जीडीपी जो है वो पूरा का पूरा वेलफेयर करता है तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि जीडीपी जो होता है वो हमें सही तस्वीर नहीं देता, पिक्चर्स जो है वो एकदम क्लियर पिक्चर नहीं देता। क्यों? पहला देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो यहाँ पर क्या है, जो जीडीपी आपको ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, आप क्या करते हो उसका एवरेज निकालते हो। सपोज करो इनकम आपकी हुई 10,000 रुपये, ये आपकी जीडीपी है, ओके, और आपके यहाँ पर लोग रहते हैं 10, तो आप क्या करोगे, पर पर्सन 1,000 रुपीज़ का इनकम हुआ, ओके। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हो सकता है इस 10 में से कुछ लोग ज़्यादा कमाते हो सकता है, कुछ लोग जो हैं कोई 5,000 कमाता हो, कोई 3,000 कमाता हो, कोई 50 रुपये ही कमाता हो और कोई 10 रुपये ही कमाता हो, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं उसका, और टोटल करने के बाद जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस होती है उससे डिवाइड करके पर पर्सन निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। क्या बोल रहे हैं, अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो कैसा है, अनइक्वल है, यानी कि कोई तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है कोई बहुत कम कमा रहा है, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर, तो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो सोशल वेलफेयर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन, इंडिया इस सिचुएशन को फेस कर रहा है एट प्रेजेंट, वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, हमारी जीडीपी तो राइज कर रही है, लेकिन स्टारवेशन डेथ आर हिटिंग द हेडलाइंस। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पर जो स्टारवेशन की वजह से यानी कि भुखमरी की वजह से लोग जो हैं वो मर भी रहे हैं, मोर ऑफ्टन देन एवर बिफोर बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज बीइंग इंक्रीजिंगली अनइक्वल, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। जैसे आप खुद सोचो, आपको अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, तो आप एक देखो मुकेश अंबानी, ठीक है, वो अपने लड़के या लड़की की शादी करने में कितने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ शादी करने में, यानी कि वेडिंग करने में सिर्फ कितना पैसों का खर्चा कर देते हैं। और एक जो देखो जो नॉर्मल गरीब इंसान है वो बेचारा 50,000-60,000 रुपये में ही शादी कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 में। मिडिल क्लास फैमिली भी देखोगे तो कितना, 20,00,000-25,00,000 में शादी कर देगी, ठीक है। और उन्होंने पूरा एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि 5,000 करोड़ रुपये उन्होंने अपने बच्चे के शादी में खर्च किए। अब बताओ, एक तरफ आप टू अब मिडिल क्लास फैमिली 25,00,000 खर्च कर रही है और एक तरफ 5,000 करोड़ रुपये, ये देखो कितना अनइक्वालिटी है, ठीक है। लेकिन जब हम टोटल निकालेंगे, पूरे कंट्री का जीडीपी निकालेंगे, तो हम तो यही दिखाएंगे कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें फ़ायदा किनको हो रहा है, अमीरों को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और गरीबों को फ़ायदा कम हो रहा है। तो यही होता है, इसीलिए कहते हैं कि जीडीपी जो है वो वेलफेयर की सही तस्वीर नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कैसा है, अनइक्वल है, ओके, समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब अगला पॉइंट चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि ग्रोथ होना, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में की जो प्रोडक्शन है उसकी क्या होना, ग्रोथ होना। जैसे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि जीडीपी का जो कंपोजिशन है वो क्या है, वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता। क्या मतलब होता है, जैसे इन हाँ तो यहाँ देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता। कैसे, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या मतलब होता है, वो बोल रहे हैं कि देखो आप कोई डिफेंस गुड्स, आपने मिसाइल, आपने टैंक, आपने फाइटर प्लेन का अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो आपकी जीडीपी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। लेकिन क्या इससे किसी गरीब इंसान को, कोई पुअर इंसान का डायरेक्टली वेलफेयर हो रहा है, नहीं भाई। गरीब इंसान को क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने को मकान चाहिए और बेसिक्स अमेनिटीज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे मिसाइल वगैरह तो नहीं चाहिए। तो इससे जीडीपी, अब डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उससे आप डायरेक्टली वेलफेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर कर रहे हो आप, क्योंकि आप उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हो। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसका हम वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, तो आप इनडायरेक्टली तो प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन डायरेक्टली आप उसका वेलफेयर नहीं कर रहे हो, ओके। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तो तीसरा लिमिटेशन क्या, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब एक ऐसे
एक्सचेंज जिसमें आप पैसों का यूज नहीं करते हो। इन रूरल इकोनॉमीज वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल टू सम एक्सटेंट, यानी कि वाटर सिस्टम जो है वो काम करता है। वाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो होता है ना, आप सामान के बदले सामान लेते हो, उसे बोलते हैं वाटर सिस्टम। पेमेंट फॉर फार्म लेबर, अब गांव में देखोगे तो फार्म लेबर को जो पेमेंट करते हैं आर ऑफ्टन मेड इन काइंड रादर देन इन कैश, तो उन्हें इन काइंड में करते हैं ना कि कैश में। जैसे आप कभी जाओगे, आप देखोगे बिहार वगैरह साइड में, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको देखो खेतों में काम कराया, ठीक है, तो खेत में काम करा लिया उनसे, और जब शाम को उनको पैसे देने का नंबर आता तो वो कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि जाओ अच्छा खेत में से सब्जी ले जाओ, जाओ गेहूँ ले जाओ, चावल ले जाओ, ठीक है ना। तो उनको कैश में पैसा नहीं दिया, और उनको किस में दिया, सिर्फ और सिर्फ इन काइंड में पैसा दिया। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, और वाटर सिस्टम के में जो अगर आप कोई भी अगर आप एक्सचेंज करते हो तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जीडीपी तो सिर्फ मॉनेटरी जो एक्सचेंज है उन्हीं को ही शामिल करती है। दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, इसकी वजह से जीडीपी जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाती। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड, अगर जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड होगी, इट रिमेन एन इन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, तो वो वेलफेयर की जो के लिए जो होगी वो इन अप्रोप्रिएट होगी, मतलब वो वेलफेयर की सही तस्वीर जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। ओके, समझ में आ गया ये तीसरा पॉइंट भी। अब आता है चौथा पॉइंट, एक्सटर्नैलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले समझते हैं एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है। एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस, बिना प्राइस को पे किए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका इंपैक्ट गुड और बैड, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। दीज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसे बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला एक्सटर्नैलिटीज, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स रिमेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेवर ऑफ मिस्टर एक्स इंजॉय इट, इट एड टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। पहले एक एग्जाम्पल लिया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का, कि मिस्टर एक्स ने उन्होंने एक गार्डन बनाया था, मिस्टर वाई जो है जो एक्स के पड़ोसी हैं और वो उस गार्डन में जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है डेली जाना, लेकिन इससे वाई को अच्छा लग रहा है, उनका क्या हो रहा है, उनका हेल्थ अच्छा है उसकी वजह से, लेकिन वाई इसके लिए एक्स को कुछ भी पे नहीं करते, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने कोई गार्डन लगाया और वहाँ आप क्या करते हो, सपोज करो आपने कोई गार्डन लगाया और उस गार्डन में आप मैंगो को क्या करते हो, ग्रो करते हो, ठीक है। आपने ये गार्डन इसलिए लगाया कि आपको मैंगो का काम धंधा करना है, ठीक है, आप वहाँ प्रोडक्शन करते हो उसका, उसके बाद उसे पैकिंग करके उसे बेच देते हो और उससे क्या करते हो, आप अपनी इनकम कर लेते हो, ठीक है। तो भाई ये तो ये क्या हुआ, अब मैंगो का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आपने गार्डन जो लगाया, इस गार्डन का एक अच्छा फ़ायदा क्या हुआ कि आपका एनवायरमेंट क्या हो रहा है, एनवायरमेंट क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, गुड, अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, आपका एनवायरमेंट पर एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जीडीपी इस अच्छे प्रभाव को कोई काउंट नहीं करती, जीडीपी इस अच्छे प्रभाव को कोई भी काउंट नहीं करेगी, क्यों, जीडीपी को सिर्फ मतलब है प्रोडक्शन से, आपका उसकी वजह से क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उससे कोई भी जीडीपी को लेना देना नहीं है। जीडीपी को मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्शन से, कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी उससे बढ़ेगी, और आपका प्रोडक्शन कम होता है तो जीडीपी उससे कम होगी। ओके, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट पर क्या हुआ, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा, ठीक है, दो एग्जाम्पल देख लिए। अब है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन फॉर एग्जाम्पल स्टबल बर्निंग बाय द फार्मर्स लीड टू एयर पॉल्यूशन, जो फार्मर्स होते हैं वो स्टबल मतलब जो देखोगे क्रॉप्स को काटने के बाद में जो बच जाता है उसको जला देते हैं, इट कॉजेज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी। अब उसको जलाने के बाद क्या एनवायरमेंट खराब हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए फार्मर जो है वो किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी पे नहीं करता है, ठीक है। अब देखो भाई,
उसने क्रॉप को ग्रो कर लिया, ये तो अच्छी बात है, ये से तो जीडीपी बढ़ गया। लेकिन उसने क्या किया, आप उसने क्रॉप ग्रो करने के बाद जो बचा हुआ जो मतलब जो स्टबल था उसको जला दिया, उससे एनवायरनमेंट खराब हुआ। तो एनवायरनमेंट खराब हुआ, तो एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से उसने कोई भी उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी। तो जीडीपी तो ग्रोथ किया लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट भी एक आपके एनवायरनमेंट पर पड़ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री में लेदर बन रहा है, अच्छी बात है, उससे आप सामान बना रहे हो, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वो लेदर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो आपने आपको अगर आपने एसएसटी में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वो गंगा या यमुना में क्या होता है, उसे उसका जो वेस्टेज होता है उसे प्रवाहित करा दिया जाता है, मतलब कि उसमें बहा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उन पर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, खराब होगा। तो उसको जीडीपी काउंट नहीं करता, क्योंकि जीडीपी को मैंने क्या बताया, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि हमें जब प्रोडक्शन क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सिर्फ चाहे उसका बैड इंपैक्ट पड़े चाहे उसका गुड इंपैक्ट पड़े, उससे उसे कोई भी लेना देना नहीं है। यही चीज़ लिखी है कि जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर, हैंस इट इज एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इसीलिए क्या होता है कि ये जो इसी की वजह से जीडीपी जो होता है वो इनअप्रोप्रिएट क्या होता है, वेलफेयर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो जीडीपी की वजह से क्या होता है, अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं ये बताऊँगा कि जीडीपी में क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होती है, लोगों के लिए बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, और उसके जो हमने हैं वो चार लिमिटेशन हमने देख लिए। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू।